पति पत्नी के बीच का रिश्ता भरोसे का होता है, लेकिन छोटी सी बात भी दोनों के बीच किस तरह से विवाद को जन्म देती है और कभी कभी ये विवाद जानलेवा बन जाता है। इस तरह के कई मामले देखने सुनने को आए होंगे आपको। ऐसा ही कुछ मामला शनिवार को देखने को मिला। जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में पति द्वारा पत्नी को छुरी मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। जख्मी महिला आरती कुमारी ने बताया कि उसका पति धर्मवीर खेतीबाड़ी का काम करता है और 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। महिला ने बताया कि उसके पति ने उससे पैर दबाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने छुरे से उसके गर्दन पर वार कर दिया। शोर शराबा होने पर आसपास के लोग उसके घर पहुंचे और आनन फानन में महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान विधायक कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव भी सदर अस्पताल पहुंचे और जख्मी महिला से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद उसके मायके के लोग भी मखदुमपुर थाना क्षेत्र के टेहटा ओपी के कुमारडीह के रहने वाले सभी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पति पत्नी के बीच इस तरह के नोकझोंक होती रहती है, लेकिन ऐसे मामलों में हिंसक हो जाना, जानलेवा हमला करना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। क्या नाम है हस्बैंड का? आपका क्या नाम है? कोची से मारा है आपको? और हाथ कैसे कटा हुआ? बचाने में कटा, इसे बासा बासा करते करते चाकू से लगा दिया। कौन मारा है? पति। हमेशा लड़ाई करते थे? हाँ, होता था उसे, कभी नहीं लगे लड़ते थे, तब ऐसे करते तो तब मारते थे, ऐसे नहीं करते थे, अभी ऐसे कर दिया। ना ससुराल से मैंने गया घर पे गए तो दीदी बोले आ गए तो बोला गोर दो तो दीदी बोलते कही कि खाना थोड़ा सा मम्मी उनको खेत में काम कर रहे थे तो खाना बहानने के लिए तो बहान दिया। उसके बाद वो का तो गोर दबाने गए तो मार दिया लाठी से और चाकू से काट दिया। हमेशा मारपीट करता था? हमेशा मारपीट करता था, थोड़ा बहुत करता था। चाकू से मारा है? चाकू से मारा है। आपकी बहन भर्ती है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में पूरा भर्ती है। कहाँ शादी हुआ था बहन? रामपुर। मैके कहाँ है? कुमंडी। क्या नाम है बहन के? आरती कुमारी। आपका?